Hello, student. How are you? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय कंपेयर द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ग्राफ के अंदर जो स्ट्रेट लाइन हमें जो मिलती है उनकी नेचर, उनकी नेचर कंपेयर द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। जो लीनियर इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट्स के रेशियो का कंपेयर करके हम लाइन की नेचर पढ़ेंगे। ठीक, फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 in two variables। General form of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second linear equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये दोनों linear equation की general form है two variable के अंदर और इन दोनों लीनियर इक्वेशन में जो कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो इनपुट के अंदर जो रेट है, जो डिजिट है वो कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ वेरिएबल के साथ में क्या है a1 इनपुट के अंदर, तो ये कोफिशिएंट a1। कोफिशिएंट ऑफ x इज a1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज b1 एंड c1 here constant mean any digit, any number। Coefficient of x a2, coefficient of y b2 and c2 here constants। First case number first when a1 a2 not equal to b1 केस नंबर फर्स्ट के अंदर जब a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो की इक्वल नहीं हो तब रिजल्ट क्या मिलेगा। नेचर ऑफ लाइन के लिए बोथ लाइंस आर सेम इच अदर, जब पेयर के कोफिशिएंट के रेशियो का कंपेयर किया और दोनों रेशियो जब नॉट इक्वल में नहीं है तो ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस टाइप से ग्राफ में दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और एंड सॉल्यूशन विल बी यूनिक। जो वेरिएबल एक्स और वाई का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा और ये यूनिक सॉल्यूशन हमें एक्स एंड वाई के लिए कहाँ मिलेगा, जहां दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की पोजीशन या उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी एक्स और वाई के सॉल्यूशन होंगे, यानी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ये एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के ये भी होंगे। और ऐसे लीनियर इक्वेशन
आर कंसिस्टेंट। और ऐसे लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? कंसिस्टेंट। केस नंबर टू है, जब कोफिशिएंट का रेशियो a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के इक्वल हो, बट c1 और c2 इसके रेशियो के इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बोथ लाइंस आर पैरेलल। ग्राफ के अंदर जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो पैरेलल आएगी, इस टाइप में पैरेलल आएगी, एंड इफ पेयर हैज नो एनी सॉल्यूशन एंड बोथ लीनियर पेयर आर इंटरसेक्ट। तो जब बोथ टाइम आर पैरेलल विच अनदर, इस कंडीशन के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में उनमें वेरिएबल एक्स और वाई की कोई सॉल्यूशन नहीं है, या नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, एंड बोथ लीनियर पेयर आर इंटरसेक्टिंग, और दोनों लीनियर इक्वेशन है जो पेयर है दोनों लीनियर इक्वेशन का वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट वाले कंडीशन के अंदर होगा जब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, लीनियर पेयर आर इनकंसिस्टेंट, इस कंडीशन में भी इनकंसिस्टेंट। अब केस नंबर थर्ड, जब a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 तीनों ही इक्वल, जब इनका रेशियो तीनों ही इक्वल हो, तो बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, ऐसी कंडीशन में बोथ लाइन हो कोइंसिडेंट होगी, और ऐसे पेयर है वो हैज मैनी सॉल्यूशन, पेयर सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन, एंड बोथ लीनियर पेयर आर कंसिस्टेंट। जब लीनियर पेयर के सॉल्यूशन होंगे, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन, उस कंडीशन के अंदर लीनियर पेयर हमेशा कंसिस्टेंट होगा। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब दो वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसके सॉल्यूशन, चाहे यूनिक हो या मैनी सॉल्यूशन, ऑल कंडीशन के अंदर पेयर कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। अब अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करोगे। मैं नेक्स्ट